हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उंसला के चटपटे आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ और एक की तरफ से मल्टी मिलेट इडली मिक्स और मल्टी मिलेट डोसा मिक्स। तो और एक एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, एक पर्सनल सजेशन मैं आपको दूंगी कि मुझे ये कहाँ से मिला, मैंने कहाँ से ये ऑर्डर करा। तो काफ़ी टाइम से ये काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसका मुझे आ रहा था कि आप इसको ऑर्डर करिए, ऑर्डर करिए। सो आई वॉज लाइक, मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह चेक करे, काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ थे, पीपल काफ़ी ज़्यादा इसको बाय कर रहे थे। सो मैंने भी सोचा कि चलिए इसको बाय करके आप सभी को बताते हैं कि ये कैसा बनते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डोसा। सो हम इसमें ऐड करेंगे, एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ऐड तो कर दिया था, बट मुझे फिर इसका जो मेजर का था उसका अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए फिर मैंने उसको बाउल से मेजर करा। देन आफ्टर हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड। कर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि मिलेट्स क्या होते हैं। मिलेट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं आपके लिए, जो लोगों को डायबिटीज़ है, जो लोग राइस वगैरह नहीं खाते हैं, या जिन लोगों की हेल्थ, जिन लोगों को जिम वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है ये। सो इसके अंदर आपको बता दूँ कौन कौन से मिलेट्स हैं। कहते हैं 3 टाइप्स के मिलेट हैं, सोरगम मिलेट और फिंगर मिलेट और पर्ल मिलेट। सो ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं। सो हम इसके अंदर वाटर ऐड करके, आज एक्चुअली इसमें हाफ पोर्शन ऑफ वाटर ऐड करेंगे, बट अगर आपको थोड़ा सा आपको बैटर कंसिस्टेंसी उसकी सही करने में लगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें एक्स्ट्रा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। एंड एक्चुअली बहुत अच्छा रिव्यू है, सॉरी आई मीन माय प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड इवन मैं भी सोच रही हूँ कि इसका रिव्यू करूँ, और वैसे तो मैं रिव्यू कर ही रही हूँ, आप सभी को दिखा रही हूँ, दैट इज़ अमेजिंग थिंग। सो हम लोग एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम लोग जो है हम उसके ऊपर वाटर को स्प्रिंकल करेंगे, और उसके बाद हम उसके ऊपर अपना डोसा बैटर ऐड करेंगे। और आप सब मुझे कमेंट में बताइए कि आपने क्या कभी ऐसे मल्टी मिलेट इडली मिक्स या डोसा मिक्स किसी और ब्रांड से भी ऑर्डर करा है इंस्टेड ऑफ ऑरिक? अगर करा है तो मुझे बताइए ताकि मैं उसका भी रिव्यू कर सकूँ। एक्चुअली ये डोसा मिक्स और इडली मिक्स बहुत अच्छा है, एंड जो फर्स्ट डोसा बने थे ना वो तो मैं खाई गई थी, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छा था। एंड आप लोग मुझे बताइए कि आप इसको ऑर्डर करना चाहेंगे कि नहीं, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा और एक ब्रांड एक्चुअली। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है इडली मिक्स, इसके अंदर भी सेम वही है, सोरगम पर्ल और फिंगर मिलेट सेम वही है, कोई अलग से नहीं है। सो हमने इसको भी बाउल से मेजर करा, एंड आप लोग देख सकते हैं इसका जो, इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेट्स हैं, तो इसकी वजह से जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है जो हमारी नॉर्मल इडली जो घर पे बनती है उससे, तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यमी होता है। एंड आपको जो आप लोग हेल्थ करते हैं, आप लोग को डायबिटीज़ है, तो ये वाली इडली ज़रूर ट्राई करें, इसके अंदर चावल नहीं होते, बहुत अच्छी बात है ये, और बिल्कुल हेल्दी है ये इडली। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उन लोगों के लिए जो लोग जिम वगैरह करते हैं, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, सो वो लोग भी इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं एक्चुअली। एंड मैं आपको बता दूँ इसमें वीट भी है, एंड मैं इसकी डायरेक्शन फॉर यूज़ बता दूँ। फर्स्ट स्टेप, इक्वल पोर्शंस ऑफ मल्टी मिलेट इडली मिक्स एंड मिक्स कर्ड हम लोग डाल देंगे, एंड हाफ पोर्शन ऑफ वाटर डाल देंगे, देन वी विल गेट अ स्मूथ बैटर, पोर द बैटर इनटू इडली प्लेट, ग्रीस विद ऑयल, स्टीम इट फॉर 15 to 20 minutes एंड सर्व हॉट। इवन हमें इसको बनाने में 15 to 20 minutes लगे ही नहीं, ये 10 minutes में बनके ही काफ़ी ज़्यादा जल्दी बिल्कुल इंस्टेंटली रेडी हो चुकी थी। एंड जो डोसा था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट बन गया था, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया घर में, इसीलिए सब खा भी बहुत मज़े से रहे थे। एंड मैं इसको जो रिव्यू दूँगी, इसको मैं दूँगी 10 out of 10, बिकॉज बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा मुझे लगा डोसा। तो अब इडली की बारी है, आप लोग मुझे बताइए कि इडली का रिव्यू क्या होना चाहिए। आई थिंक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन गई, एंड अभी आपको आगे वीडियो में देखने को पता चलेगा। सो देखिए कितनी यमी यमी और कितनी फ्लफी फ्लफी बनी है। सो इसको टेस्ट वाइज मैं इसको भी दूंगी एक्चुअली 9.5 out of 10, इट इज़ अमेजिंग। एंड मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो इडली है कितनी ज़्यादा फ्लफी है, इसके साथ मैंने नारियल की चटनी सर्व करी है,
ये विदाउट सांभर ही बहुत अच्छी लग रही थी। इफ़ अगर आप लोगों को सांभर बनाना है तो उसके साथ भी काफ़ी अच्छी लगेगी। सो आई होप दैट आपको ये छोटा सा मेरा रिव्यू अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी जाइए और एक प्रोडक्ट्स बाय करिए। सो आप सभी को इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे या इनकी वेबसाइट पे। सो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो मेक श्योर आप लोग वहाँ से बाय कर लें। मुझे कमेंट्स बताएं कि आपको इनके प्रोडक्ट कैसे लगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।